कानपुर लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि कानपुर में आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने गुमटी क्रॉसिंग पर पहले ट्रेन रोकने का और फिर सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान सपा कार्यकर्ता जीटी रोड पर बैठ गए और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान सपाइयों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि हंगामा नारेबाजी कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस ने उन्हें बस से पुलिस लाइन भेज दिया। इस दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस वालों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या के बाद जो है कानपुर में भी अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हम बात करते हैं इरफान सोलंकी से। विधायक जी जा रहे थे उनको भी रोक लिया गया है और हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार किसानों की विरोधी सरकार है, सरदारों की विरोधी सरकार है। इन्होंने मरवा दिया लोगों को, आज उनका प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। अब ये रेलवे लाइन पुलिस लाइन लिए जा रहे हैं या कब्रिस्तान ले जाएंगे आप जानिए। क्या मांग रखते हैं? अखिलेश को रिहा करा जाए, उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए और हमें भी रिहा करा जाए। नहीं जाने दिया तो क्या करें? तो ये आंदोलन नहीं, एक विचार धरना प्रदर्शन ले लेगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इरफान सोलंकी जो विधायक सीसा मऊ है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया गया, प्रदर्शन जारी रहेगा, वहीं अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने दिया जाए। अगर लखीमपुर नहीं जाने दिया गया तो ये प्रदर्शन इसी तरह से उग्र तरीके से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।